All right, we are back to the business boys. Welcome back to a brand new video. I know बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है भाई आजकल दिल्ली में and I'm very busy. रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पर आई वॉज वरिड अलाइव फॉर 24 आवर्स. तुमने मिस्टर वीस का एक ऐसा वीडियो देखा होगा. तो उसी के चक्कर में, उसी की एडिटिंग में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ. इसके चक्कर में इतनी सारी वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ मैं इस चैनल पे. बट आज मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं तुम लोगों से बातचीत करता हूँ. इज बिकॉज टुडे वी गोना रिएक्ट टू हार टून्स एवरीबॉडी. तो तुम लोग को पता होगा कि लाइक मैंने नोट योर टाइप के ऊपर रिएक्ट किया है, मैंने आरजी बकेट लिस्ट के ऊपर रिएक्ट किया है. आई हैव आल्सो रिएक्टेड टू द ओजी एंग्री प्राश. बट मैंने आज दिन तक सही से कभी भी हार टून्स की वीडियोस को नहीं देखा है. एंड एज यू नो द ओजी रिएक्शन चैनल फॉर एनिमेटर्स. ब्रो मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, गुस्सा मत हो जाना भाई. सो मेरे को बहुत सारे लोग बोले लगे रचित भाई आप जो है आप हार टून्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हो. तो मैंने सोचा यार मैं हार टून्स का वीडियोस देखूं, क्योंकि लास्ट बार मुझे याद है जब मैंने आयु का एक वीडियो देखा था उसमें हार टून्स के ऊपर आयु ने कुछ तो जोक मारा था, ठीक है, लाइक RIP हार टून्स करके. दिस इज हार टून्स. सो हार टून्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमेशन चैनल इन इंडिया. लुक एट दिस नंबर्स यार. एक तो मुझे हार टून्स के थंबनेल बहुत पैसे लगते हैं, लाइक यू नो वेरी कलरफुल, वेरी अट्रैक्टिव. लाइक लुक एट दिस थंबनेल, ये शादी वाला थंबनेल कितना प्यारा है भाई. एक चीज के लिए तो मैं तारीफ करूंगा, लाइक मैंने इतने सारे चैनल्स देखे हैं, मुझे हार टून्स के थंबनेल काफी अच्छे लगे. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर वाइज जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि इस हार्टून्स नॉट योर टाइप एंड आरजी बकेट लिस्ट वर गेटिंग द बेस्ट नंबर्स इन एनिमेशन कम्युनिटी. एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि एनिमेशन कम्युनिटी इतना अच्छा ग्रो कर रही है भाई इंडिया में. लास्ट 7 महीने में हार्टून्स ने 4 वीडियोस डाली हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर वीडियो इज दिस वन. तो लेट्स रिएक्ट टू दिस वीडियो. ऑलराइट. तो मैं सुबह उठते से गहरी सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को टट्टी और भूख दोनों साथ में लगती है. सुबह उठते से मैं बैठे बैठे सोचे जा रहा हूँ कि पहले क्या करूँ. मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है ये दोनों चीजें. फालतू फालतू की बातें आ रही है मेरे दिमाग में कि क्या मैनेजर रख लिया जाए इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए. इतना सोच विचार करने के बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि पहले मैं जा रही हूँ. दिस इज रिलेटेबल, दिस इज वेरी रिलेटेबल. जब मैं अपने घर पे रहता था मम्मी पापा के साथ तब ये बहुत होता था मेरे साथ. स्पेशली जब तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो ना तब ये चीज बहुत होती थी. आई एम सॉरी वीडियो के बीच में आने के लिए. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट टुडेस स्पॉन्सर. ये स्पॉन्सर सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है. अगर आप 18 साल के ऊपर के नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए. ये वीडियो स्पॉन्सर किया है परी मैच ने. परी मैच पे अभी मिल रही हैं बहुत ही अच्छे रिवॉर्डिंग ऑड्स एंड ओवर 9000 गेम्स जो कि तुम लोग खेल सकते हो अपने घर से. तुम लोग मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जो कि है रचित ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, जिससे तुम लोग को 150% तक के बोनस मिल सकते हैं. इस बेस्ट ऑफर के साथ इस वेबसाइट पे मोस्टली सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है. क्लिक द लिंक वेलो. बट उससे इम्पोर्टेंटली इसमें तुम लोग अपना पैसा जीतने के साथ ही बहुत ज्यादा पैसा गवा भी सकते हो. तो प्ले रिस्पॉन्सिबली. Let's get into the video. All right, मेरे को याद आ गया हार टून्स अपनी वैन के साथ वीडियोस बनाता है. मुझे याद आ गया ये. नाश्ता पानी हो जाए. All right, let's see. किराने की लिस्ट बना दो. मम्मी को मैं एक सेकंड भी फ्री दिख गया ना कुछ फालतू काम बता देंगे. मम्मी को मैं एक सेकंड भी फ्री दिख गया ना कुछ फालतू काम बता देंगे. ओ भाई देसी टॉयलेट, रुक जाओ. हार टून्स तूने सही से टॉयलेट नहीं बनाया. शिट, आई एम डिसअपॉइंटेड. वैसे तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर डिब्बा है, सब कुछ मतलब वैसा ही है जैसा होता है, लेकिन इतनी बड़ी टॉयलेट नहीं होती और सही नहीं बनाया. हार्टून्स -10 points फॉर दिस वन ब्रो, -10 points फॉर दिस वन. तू फ्री कैसे बैठा है? जो चांद ने क्या छत पे से निकला है कि नहीं? अरे पर चल फटाफट. सोचने भी नहीं दिया भाई उसको. दैट मींस लाइक उसको साफ भी नहीं करने दिया मम्मी ने. मम्मी तो भाई ओके तो आ गए फिर से. मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेकूफ औलाद पैदा हो गई है यार, वापस से अंदर घुसा दे क्या इसको. इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने. मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही था, क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में अंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था. मतलब अभी okay. करता हूँ कि मम्मा आज खाने में ले ब्लाउज पूजा आंटी के. ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट हाँ एक चीज मेरे साथ हुई है. लाइक मम्मी कहीं पे मतलब अपने कुछ कपड़े डालती थी एंड देन मेरे को भेजती थी कि लाइक वो दुकान पे जाओ और रशीद वहाँ से कपड़े लेके आ, ठीक है. वो चीज मेरे को बहुत अजीब लगती थी भाई. और रास्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना, ठीक है. ये तो कॉमन है. पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था. गाय 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 ये ले आंटी जी पूजा आंटी को रोटी डाल दी. आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं
भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। देख इधर, देख देख मेरी आंखों में। अरे देखना, देखो मैंने तेरा दिमाग फेंकने का तो बोला ही नहीं था कहीं पे, तो तू कहाँ पे फेंक गया है बेटा? कहाँ पे फेंक गया है? तू भुजा अंडे क्या रोटी डाल के आया है? तो फिर ब्लाउज कहाँ पे? वो कहाँ पे? हाँ, हमारा दूध वाला इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि आँख की कॉलोनी के लोग तपेली ले लेके आ जाते थे बाहर। कितना? सवा। पानी डाल जल्दी। वैसे ब्लाउज के लिए थैंक्स, फिटिंग वगैरह बढ़िया आ गई एकदम। अंदर आके मैं मम्मा को देख रहा हूँ तो वो उसमें अलग से थोड़ी भर का पानी मिला रहे। एक बार अम्मा खाना बना रहे थे और जल गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको कहीं? रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। पता बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। अब गैस। हाँ, अभी पापा के साथ कुछ होगा भाई। ये अब कितना भाई टिपिकल इंडियन फैमिलीज। मेरे पापा भी डाई करते रहे। कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसी टाइम चालू हो जाते, उसी टाइम। उनको वेट नहीं करना है, हाथ तो हाथ सुनाएंगे वो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? तो पापा वहाँ आके तीन बार समझा दी मैंने तेको एक ही चीज के क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे से। पर नहीं, अपने को पायलट बनना है, पायलट। अस्पताल मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेको ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास। तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। पायलट ऐसे ही है वो। तो मम्मा को चेट गई वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा? बरगंडी कलर बोला था, काला डूस लेके आ गया यार ये। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं, ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूले इजालियो हरे दुपट्टे बालियो। चलो टू 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 टू। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? हाँ मम्मा ये मिल गया इधर डिक्की में। शिट, मेरे को क्या याद दिला दिया भाई। ये मेरे साथ बहुत बार होता था। मैं अपना टिफिन जो है ना अपने बैग में ही रखे रहता था, ठीक है, और निकालता नहीं था और उसमें खाना सड़ जाता था भाई कभी कभी। मम्मी को नहीं देता था भाई धोने के लिए। क्या क्या? वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। कहाँ सूटा है वो पूरा एठ वाला? ऑफिस से फोन कर रहा है, टाइम कितना हुआ है? अरे यार आज की तनख्वाह काट देगा यार मेरी ये। अब मेरे को नहाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस साबुन से है जिस पे से मेरे बाल लग रखे हैं। बाल खुरेद के अलग करना पड़ता है यार। देखो पता नहीं ये मुझे नहीं पता, आई थिंक आई एम गोना एक्सपोज माई सेल्फ, बट तुम्हें से कितने लोग के साथ हुआ है कि भाई जिस हाथ से तुम लाइक यू नो वॉशरूम करने के बाद जिस साबुन से हाथ धोते थे कभी कभी वही साबुन मिक्स हो जाता था विद द शावर वाले साबुन के साथ, और उसकी वजह से ना मुझे डर लग गया था कि मैं फिर लाइक दोबारा से ना नहाने के लिए साबुन यूज नहीं करता था। मुझे लगता था किसी ने इससे अपने पॉटी वाले हाथ धोए होंगे, लाइक पहले होता था मेरे साथ। उसके चक्कर में मैं कभी भी फिर साबुन नहीं, हमेशा मैं नया साबुन निकालता था भाई जाके। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मेरे घर वालों में से किसी का भी बाल नहीं है ये, क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं है यहाँ पे। हो ही नहीं सकता यार, ये बाल की साइज देख, जरूर तेरी मम्मी तो हो ही नहीं सकता ये, है ना? ठीक है मेरा ही होगा। तो ये फन एक्टिविटी चली रही होती है, इतने में बहुत दुख होता है जब अपना कोई इतना करीबी साथ छोड़ के जाता है। मेरी चड्डी ने बाल्टी में कूद के आत्महत्या कर ली है, और अभी वाली चड्डी मैं ऑलरेडी गीली कर चुका हूँ। ये सब होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अलग ही लेवल का मजा है वो गर्मा गर्म चड्डी पहनने का। हमारे घर पे आए दिन रिश्तेदार आते रहते हैं। बेटा मम्मी किधर है? यहाँ तो नहीं है, चलो आ जाओ अंदर ढूंढते। इन लोगों का मेन मकसद होता है चाय पीना, ये इसीलिए आए हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे फसर के तुम्हारे घर पे। और चाय वगैरह कुछ? अरे मन तो नहीं था पर अभी चाय की टोक लग गई है तो अब मना नहीं कर सकते। बना दे तो बेटा 2 कप।
आप पियोगे? तीन बना देना। भाई मैंने भी सीखी है चाय बनाना भाई, लेकिन मैंने रिश्तेदारों के लिए नहीं, मैंने अपनी मम्मी के लिए सीखी है। मेरी मम्मी को चाय पीना बहुत पसंद है और फिर मैं भी सीख गया था उनके लिए बनाना। अब देखो नमक डाल दे ज्यादा रही है तुम लोगों को। कभी भी कोई रिश्तेदार आए और तुमको चाय बनाने का बोला जाए ना, तो ऐसी ढक्का ढोर चाय बनाओ ना, जितनी बेकार तुम बना सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करो बेकार बनाने की। क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छी चाय बना दी ना, तो अगली हर बार तुमको बनानी पड़ेगी। तो आधे घंटे तक बैठ के हंसी ठिठोली करने के बाद इन लोगों के पास कुछ टॉपिक बचे नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मी चालू होती है। और आपको तो पता ही होगा अपना हार्डी लई छोरे को बचपन से कब्जियत की बीमारी हो रही है। कब्ज भी मेरे को याद है कि लई छोरा जोर लगा लगा के थक जाता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मजा आते ये बात बता के सबको। तो काम धंधे में ही लगा रहता है यार, वो बच्चों को गाइडेंस करता है। गाइड हाँ वही सेल्स मैन है इनका छोरा। खरीद लो ना हमारा कोर्स, 50,000 का तो है। और तो और बेटा तुमको एक चमचमाता हुआ टैबलेट भी मिलेगा, उसके 50,000 अलग से लगेंगे, पर एक बार सोचो उसके अंदर तुम दिन भर सबवे सफर खेल सकते हो। कर दो क्या कंफर्म? नहीं लेना। ये गाइडेंस कर रहा है इनका बेटा। उसके बाद ये आदमी तुमको अलग अलग नंबर से फोन करके इतना परेशान कर देगा ना, तुम गिल्ट में चल जाओगे कि उस दिन जरा से। फॉर्चुनेटली लाइक जब मैं था उस जब मैं स्कूल में था, मुझे याद है तब बायजूस पॉपुलर हो रहा था, टीवी पे एड्स आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन मेरी तरफ इतना जरूरी नहीं था। लेकिन रिसेंटली मुझे पता लगा है कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस में टैबलेट, मतलब बहुत सारे स्कूल्स में टैबलेट दी जा रही है और वो कंपलसरी टाइप का बनाया जा रहा है फॉर किड्स। ठीक है, कुछ तो सीन है। मेरे को सुनने के लिए आया था मेरे एक रिश्तेदार के बच्चे के साथ, और ये था कि लाइक मेरे जो रिश्तेदार थे उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो आई वाज लाइक डैम, एजुकेशन सिस्टम तो बहुत चेंज हो रहा है भाई आजकल। नोट्स की लालच में आके इनकी वेबसाइट पे फोन नंबर डाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इतने बच्चों का ब्रेन वॉश गाइडेंस कर दी ना कि प्रमोशन मिलने वाला अब उसको। मेरे को अलग ही चिढ़ छुटती भाई कोई मेरे सामने शो ऑफ करता है तो। मेरा तो मन हो रहा था कि जाके तिजोरी में से ये लो आंटी जी चाय। अब तो सब ठीक है ना बेटा, कब्जियत वगैरह? हाँ। और ये गोल्डन प्ले बटन, एक बार टच नहीं, दूर 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 दूर। ये ले बेटा प्रसाद। मेरे दादी जी आधी आधी रात में उठ के आश्रम जा रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाके झाड़ू लगाने में। और हर रोज एक पताशा लेके आ जाते थे आश्रम से। मुझे तो पसंद है भाई पताशा, किसी को भी नहीं पसंद है। नहीं नहीं चालू कर दी थी। मुझे बताशा पसंद था, लाइक मैं एक बताशा खा सकता हूँ, एक दो बताशे, लेकिन ज्यादा खाओगे तो वो बहुत मीठा होता है। बट ये सबकी दादियों को होता है। मेरी दादी का एक बहुत अच्छी सी चीज थी। ठीक है, मेरी दादी लाइक उनको कोई प्रसाद मिले या उनको कुछ खाने की चीज मिले ना, मेरे पापा लाए समोसा या कुछ भी ना, तो मेरी दादी बचा के रखती थी फॉर मी। ठीक है, एंड थोड़ा वो खा लेंगे उसके बाद बचा के रखेंगे और मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे देंगी। तो ऐसा बहुत होता था मेरी दादी का भाई। मेरी दादी और मेरी बहुत सारी फनी स्टोरीज हैं। तुम लोग अगर जाना चाहते हो मेरे को बताओ, किसी दिन मैं एक स्टोरी टाइम बनाऊंगा जब एक लफड़ा हो गया था भाई। ठीक है, और कैसे मैंने अपनी दादी का इस्तेमाल किया। ठीक है, वेरी वेरी फनी स्टोरी है वो, जब छोटा था मैं। हम लोगों ने पतासों की महीने के आखिर में जैसे ही वो बोरा भराता था, हम लोग उसको वापस बेच के आ जाते थे आश्रम वालों को। ये कब कर रहे हो तुम लोग? दादी जी की ऐसी हरकतों की वजह से घर में कलेश होने लग गए थे। कमर दुख रही यार। दुखना ही रही वो तो। आधी आधी रात को उठ के झाड़ू पोछे से लगाने जा रहे, घर में इनको जरा सा काम बता दो ना, उसमें धड़ी भर का जोर आ जाता है। तो वहाँ कोई हम लोग काम वाम नहीं करते, सेवा करते हैं। यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। अरे भैंस मत करा कर मेरे से। फाइनली डिसाइड होने जा रहा है कि इस घर में कौन रुकेगा। दादी? हाँ मैं। ये पतासों का पूरा जोर दिखाते हुए। या मम्मी? ये मम्मा, ये आटे के साथ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को बोल देना कि मैं आज कोई खाना वाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है, ये ले। द बेस्ट मूव, जब दादी बोले आज वो उनका खाना खाने का मन नहीं है। ठीक है, द बेस्ट मूव। बस यहाँ से भाई अब दादी गुस्सा हो गई है। बनाने वाली हूँ, आप आपके आश्रम में जाके ठूसते रहना पता से। ओ भर पेट,
ऐसा बोल के आता तो इनको तो ये पॉइंट जाता है मम्मी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैं नहीं कर रही यार। फिर ये दोनों छाने माने बैठ जाते हैं अलग अलग कोने में। बेचारे पापा थके हारे आ रहे काम से। मैं आ गया। किधर है यार सब लोग? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ये तो फिर से लड़ लिए क्या? अरे चलो मेरे को बताओ क्या हुआ, जाके उससे ही पूछ लेना। अच्छा चल तू बता दे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, देखो तुमने देखा ना यहाँ पे। रुला दिया मम्मा को। अब देखो लड़ाई झगड़े चल रहे, हाथापाई पे बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो। मम्मा खाना तू खा ले, मैं तो नहीं खा रही। बना तो दो। हाँ यार भूख लग रही, मेरे को सुबह भी टिफिन नहीं दिया। हाँ मेरी तो गलती है सब। ये रोई नहीं इस बार है ना? ये बोला ही था मैंने तो। फिर से रुला दिया मम्मा को। क्या मजे क्या आते आपको? वाह मैं तो जा रही हूँ, मेरा आश्रम जाने का टाइम हो गया है, सेवा करनी है मेरे को। Damn, good one. A really good video. बढ़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल एनिमेशन चैनल्स का ना प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। I remember जब मैंने फर्स्ट टाइम हार्टून्स का वीडियो देखा था, कहीं ना कहीं तो होगा भाई रचित रो रिएक्ट्स टू हार्टून्स, क्योंकि हार्टून्स का वीडियो मैंने बहुत पहले भी देखा है, ठीक है। लेकिन मैंने लाइक वो वीडियो में इतना कुछ क्रेजी नहीं लगा था। ओ हाँ, ये रहना हार्टून्स का एक वीडियो मैंने देखा था, ये दो वीडियोस मैंने हार्टून्स के देखे थे। यस, दो वीडियोस मैंने हार्टून्स के देखे थे, लेकिन तब मैं इतना ध्यान नहीं दिया था वीडियोस में। दिस टाइम मैंने देखा है तो आई फील लाइक हार्टून्स का क्वालिटी बढ़ गया भाई, हार्टून्स का क्वालिटी काफी इंक्रीज हो गया। एंड इट्स गुड, सबका एनिमेशन क्वालिटी हैज इंक्रीज्ड। मैंने अभी रिसेंटली देखा, इवन डेस ने जो वीडियो बनाया है ना, इवन डेस ने एक वीडियो बनाया है ना, उसका भी क्वालिटी इंक्रीज्ड है दिस वीडियो, ठीक है। तो या आई फील गुड कि एनिमेशन चैनल्स काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो दिस वाज माय रिएक्शन ऑन हार्टून्स। तो इफ यू गाइस वांट कि मैं और हार्टून्स की वीडियोस देखूं, तो कुछ फनी वीडियोस के नाम डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन बताना, आई विल रिएक्ट टू देम। बस की आज के लिए इतना ही। आई फील लाइक कि किसी दिन हमें हार्टून्स को बुलाना चाहिए, वी शुड डू समथिंग विद हार्टून्स, क्योंकि मोस्टली मैंने सबके साथ किया है लाइक कुछ ना कुछ, विद आरजी के साथ किया है मैंने, मैंने हार्टून्स के साथ नहीं किया। तो लेट मी नो लाइक तुम लोग का क्या ओपिनियन है। ऑल राइट, सी यू। मेरा पहला फक देखे गया मेनू कॉन्फिडेंस, दूजी बारी भी ओही कुड़ी सी नॉट अ कोइंसिडेंस, तीजी बारी टूटिया दिल सी फेल लाइक इट्स माय ओनली चांस, पुसी ले खर्चानी पेनी, दिस इज नॉट योर ओनली फैंस। 83 रुपए पर मंथ में आपके नजदीकी सिनेमा घरों में डरो ना मिलेंगे सभी को, मजा ना मिला तो पाटलू चटके करोगे डरोगे।